नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री के निजी सचिव बनकर अधिकारियों को फोन कर अपराधियों को छुड़वाने वाले फर्जी मुख्यमंत्री के निजी सचिव का मामला चर्चा में बना है। मैनपुरी पुलिस ने साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पकड़े गए आरोपी के द्वारा हिस्ट्री सीटर को छुड़ाने के लिए इंस्पेक्टर सीओ के अलावा एसपी को भी फोन किया गया और अपने को मुख्यमंत्री के निजी सचिव बताकर हिस्ट्री सीटर को छोड़ देने की बात कही गई थी। एसपी के आदेश पर सर्विलांस टीम ने मुख्यमंत्री के फर्जी निजी सचिव को अब जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। आपको बताते चले कि जनपद के थाना बेवर इंचार्ज सुरेश चंद शर्मा को मोबाइल नंबर के एक निजी नंबर 8923-06-40-58 से फोन आया और खुद को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बताकर आरोपी गगन सोलंकी को छोड़ देने की हिदायत दी गई। थाना अध्यक्ष द्वारा बात नहीं सुनी गई तो यही फोन सीओ कुरावली व उसके बाद एसपी मैनपुरी एके राय को भी रात लगभग 12 बजे जाता है और हड़काते हुए आरोपी हिस्ट्री सीटर को छोड़ देने की बात कही जाती है। फोन संदिग्ध प्रतीत होने पर एसपी मैनपुरी के द्वारा सर्विलांस टीम को लगाया गया, जिसके बाद मैनपुरी पुलिस की सर्विलांस टीम ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर भोगांव बेवर मार्ग के जीटी रोड से आरोपी जगन किशोर वाजपेयी पुत्र गंगा प्रसाद वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी कानपुर नगर के थाना केदवई नगर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी के पास से मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बनकर फोन कर अपराधियों को छुड़ाने का काम करता था और उसके एवज में भारी रकम भी वसूल करता था। न्यूज 9 भारत के लिए राम किशोर वर्मा की रिपोर्ट। जेके वाजपेयी पीएस ये वापिस लखनऊ और ये लड़का जो ये है गगन क्या सोलंकी तो इसका आरोप है, आरोप नहीं है इसको छोड़ दिया। इसका कुछ पैसा वगैरह भी लेते थे फोन करने का क्या? हजार रुपए 2000 रुपए तो कितने मिलते हैं? इनको मिले नहीं, नहीं कितना लेते थे नॉर्मली? 1000-2000 रुपए बस उतना है, कोई 1000-2000 से कम चल जाएगा उतना है। और जितने गरीब जनता है हर जगह जाते हैं और हर जगह जो है गरीब जनता की सुनाई करते हैं और अधिकारियों से वार्ता करते हैं। अच्छा, सामने खड़ी है मीडिया उस चीज़ को नोट करें ठीक है, और हम कोई फ्रॉड या गलत नहीं कर। ये जेके वाजपेयी जो कि कानपुर नगर के रहने वाला है और वर्तमान में फतेहगढ़ में रहता है, तो कल रात में एक बेवर थाना में साथी अपराधी पकड़ा गया था, जिसको छुड़वाने के लिए रात पर पहले एसओ को, बाद में सीओ को और अल्टीमेटली फिर हमें बहुत प्रेशर बनाने लगा कि इसको छोड़ दिया जाए। मैं निजी सचिव बोल रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। खैर, इसके बाद फिर वो हमारी टीम सक्रिय हुई और इसका वेरिफिकेशन करके इसके बाद इसको आज जेल भेजा जा रहा है। ये अपराधियों को छुड़वाने के नाम पर पैसे बांटता है और जैसा आप जान अभी बता रहा था कि ये फिर उस आधार पर अपनी जीविका चला रहा है। कब से ये आरोपी सर इस तरीके सक्रिय था? ये काफ़ी दिनों से ये सक्रिय है और पूछताछ में इसने बताया है कि आय का कोई साधन नहीं है, तो हम इस आधार पर 1000-2000 रुपये मिल जाता है कोई काम कराने के नाम पर। और इसके बाद फिर सर कोई पुराना इतिहास भी है इसका? सर पहले अब ये पहली बार लग रहा है कि जीत जा रहा है।